Hey, what's up, Explorers? How are you guys doing? And welcome back to a new vlog and a new video. तो guys, आज का वीडियो बहुत ही अलग रहने वाला है. तो मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत सर के बहुत बड़े फैंस रहे हो. तो गाइज, आज वीडियो उन्हीं के ऊपर बनने वाली है, क्योंकि स्टीव हफ नाम का एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल रिसर्चर है यूएस में, जो कि एरिजोना में रहता है. एक्सप्लोरर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीव हफ, जिसका हफ पैरानॉर्मल करके यूट्यूब पे चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ा आईटीसी रिसर्चर है और इसके इन्वेस्टिगेशंस एकदम सही गए हैं. आज तक उसने कभी भी झूठ नहीं बोला है, वो कभी भी किसी टीवी शो में नहीं गया है होस्ट करने के लिए अपने शोज, बिकॉज उसके हिसाब से सारे जो पैरानॉर्मल टीवी शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, वो स्टेज्ड होते हैं. और इसका जो काम है ना गाइस, ये प्रॉपर पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर है और इसे कोई भी आज तक झूठ नहीं ठहरा पाया है. मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं इसके इन्वेस्टिगेशन से भरोसा करता हूँ और मुझे उसके इन्वेस्टिगेशन पे जरा सा भी शक नहीं है. तो गाइस, आई वांट टू टेल यू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन फैमिली, एंड बहुत सारे लोगों ने उसको डीएम्स किए, कमेंट्स डाले उसके चैनल पे कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सुशांत सिंह राजपूत, प्लीज कॉन्टैक्ट हिज सोल. तो एक्सप्लोरर्स, इन्हीं रिक्वेस्ट के ऊपर उसने सुशांत सिंह को कॉन्टैक्ट किया, ही स्पोक विथ हिम. और मेरे हिसाब से गाइस, आई डोंट क्वेश्चन हिज वर्क, जो भी उसने काम किया है बहुत ही सही काम करता है वो बंदा, और वो कभी भी झूठ नहीं फैलाता है. तो अगर आप मुझे पूछोगे, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, कि क्या मैं इन सब पे भरोसा करता हूँ, मैं भूत, चुड़ैल, ओके, और डेविल, इन सब पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पैरानॉर्मल साइंस पे भरोसा रखता हूँ. बिकॉज मेरे साथ जब मैं थिएटर एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी. जब मैं जेल एक्सप्लोर करने गया था, मेरे कैमरे को स्लैप किया गया था, तो मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी. और उसके बावजूद भी जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स गए थे, जो अपने इंडियन पैरानॉर्मल साइंस के लोग हैं, तो वहाँ पे वो गए थे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी इज प्रेजेंट. तो गाइस, चलो ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा मैं, तो आप सीधा अभी वीडियो देख लो, उसके बाद में मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शंस दूंगा. डिड यू ट्राई टू किल योरसेल्फ? डिड यू डू दैट? टॉकिंग टू एंजल. You tell me what happened the night of your death. Did someone murder you? Do you remember how you died? There was an argument with men, if I heard that correctly. What happened? Of light. You've talked of being with someone, a guide or somebody. You saw it last night. Can you tell me what happened the night of your death? Did someone murder you? Do you remember how you died? Have you met up with other people that you know? Sean, do you have a message for everyone watching today? तो एक्सप्लोरर्स, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं मानता हूं कि व्हाट एवर हैपेंड इन द वीडियो इज 100% ट्रू. तो चलो, अभी आपने देखा जो स्टीव ने फाइंड आउट किया है उस वीडियो में. अभी मैं, मेरे पास कुछ टाइम स्टैम्प्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे स्टीव ने, उसका क्या आंसर आया था सुशांत सिंह से, और स्टीव ने क्या समझा, ओके, और फिर लोग क्या लगता है, मैंने सारा पेपर पे लिख लिया है. अभी हम एक एक टाइम स्टैम्प पे जाएंगे और उसे अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सुशांत सिंह ने वो टाइम पे क्या बोला था. चलो, अभी बहुत कुछ सुशांत सिंह ने कुछ हिंदी में बोले थे वर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इम्पैक्टफुल है, और इससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं 10 सेकंड्स पर, जब वीडियो शुरू हुआ था तो स्टीव ने क्वेश्चन पूछा था कि डिड यू ट्राई टू किल योरसेल्फ? Did you do that? Did you try to kill yourself? Did you do that? Talking to Angel? तो सुशांत का वहां पे आंसर आता है कि जो स्टीव को लगता है टॉकिंग विद द एंजल, बट आप उसे वीडियो को स्लो करो, सुशांत कहता है कि संदीप एंड मीतू. अभी वो शायद से मी टू होगा, मतलब संदीप सिंह जो उनको दोस्त थे, ठीक है, शायद से उनमें कुछ बातचीत हुई होगी, बट ये संदीप सिंह एंड मीतू, आई नो नीतू सिंह जो सुशांत सिंह की बहन है, तो नीतू एंड मीतू इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आप इसे स्लो करो, आप वापस सुनना गाइस, उन्होंने क्लियरली बोला है संदीप एंड मीतू. तो चलो गाइस, आगे के टाइम स्टैम्प पे जाते हैं,
1:12 पे, ठीक है, जहां पे स्टीव उनको सवाल पूछते हैं कि सुसान कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड द नाइट ऑफ योर डेथ, डिड यू और डू यू रिमेंबर हाउ डिड यू डाई, यू टेल मी व्हाट हैपेंड द नाइट ऑफ योर डेथ. Did someone murder you? Do you remember how you died? सुशांत सिंह का वहां पे आंसर आता है जो स्टीव को लगता है वो है दे बॉट नेल्स. बट जहां से आपको बहुत लोगों को पता है जो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया वहां पे नेल्स का या उनके बॉडी पे ऐसा कुछ निशान नहीं था. बट मुझे लगता है सुशांत ने बोला है जो मैंने क्लियरली सुना है दे बॉट नूज. अभी नूज क्या होता है आपको पता ही है, जो कुत्ते गले में बांधते हैं वो नूज होती है. और बहुत सारे लोगों ने फोटो भी सर्कुलेट किए सुशांत सिंह के, जो मैं अभी सर्कुलेट नहीं करना चाहता बिकॉज आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम एंड आई डोंट वांट टू सर्कुलेट हिज डेड बॉडी फोटोज. तो जो उनके गले में है लेफ्ट साइड पे तो नूज का एक निशान था, ठीक है. और बहुत लोगों ने जस्टिफाई भी किया कि जब कोई इंसान फांसी लेता है तो उसको यू शेप में मार्क बनता है बिकॉज आपकी बॉडी ऐसे लटकती होती है, आंखें बाहर आती है, डीप आपकी जो टंग होती है वो बाहर आती है और सलाइवा आ जाता है. तो ऐसा सुशांत सिंह के साथ में कुछ भी नहीं हुआ था. बाय द वे आप लोगों ने भी फोटोज देखे हैं, जो उनका मार्क था वो ओ शेप में था, इधर वाले इधर ऐसे, तो इधर तो बिल्कुल नहीं था. तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं कि ये मर्डर की तरफ इशारा करता है और ये सुसाइड की तरफ इशारा नहीं करता. तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं टाइम स्टैम्प पे, जो है 4:16 पे, जब स्टीव उनसे बात करते हैं. There was arguments with men and then what happened? तो उनको सवाल पूछा जाता है कि then what happened after that? There was an argument with men, if I heard that correctly. What happened? तो सुशांत का वहां पे आंसर आता है जो स्टीव सुनते हैं वो है कि that's now ended. पर आप ध्यान से सुनो गाइस, उसने बोला I was backstabbed and dead और उसने बोला है I was stabbed and dead. And that's now ended. It totally different है. It doesn't make any correlation. आप उसको slow करके देखो और आपको वही सुनाई देगा जो आपको मैंने बोला है अभी. तो 4:36 पे स्टीव उनसे बात करते हैं और बातचीत करते हैं लाइट के बारे में. You have talked with light and about being with someone. Of light, you've talked of being with someone, a guide or somebody. तो वो टाइम पे सुशांत आंसर करते हैं जो स्टीव को लगता है कि स्टीव टेल स्टीव आई एम गेटिंग द लाइट. बट सुशांत आंसर करते हैं हिंदी में दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी और वो बहुत ही सैड वॉइस होती है, रोने वाली आवाज होती है. गाइस आप इसे वॉल्यूम फुल कर दो, अप कर दो, आप इसे वापस प्लेबैक कर दो, ध्यान से सुनो, 0.25x पे सुनो, ठीक है, जितना स्लो कर सकते हो उतना सुनो. सुशांत ने क्लियरली बोला है कि दोस्ती के नाम पे आई वॉज मर्डर्ड और वो हिंदी ने बोला है और वो क्लियर हिंदी और वो सुशांत की ही आवाज है. तो गाइस चलो आगे के टाइम स्टैम्प पे जाते हैं 4:44 पे, जब स्टीव ने उनको पूछते हैं कि यू वर इन द लाइट, यू सॉ इट, यू सॉ इट लास्ट नाइट. तो शायद वो टाइम पे सुशांत कुछ बातचीत बोलना चाहते कि आई वॉज इन द किचन, ही वॉज डूइंग समथिंग. सो नॉट श्योर अगर इसमें वापस कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है गाइस, बट आप सोचो कि बहुत सारी चीजें एक इसमें लिंक थोड़ी हो रही है. तो चलो आगे के टाइम स्टैम्प पे देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. What happened the night of your death? अभी clear question पूछा गया था सुशांत के soul को कि what happened the night of your death? Can you tell me what happened the night of your death? Did someone murder you? Steve ने एकदम clearly बयां किया that you know big arguments with men or big arguments with them. अब ये शायद them होगा या men होगा. बट बिग आर्ग्यूमेंट्स विथ, ये बहुत ही क्लियर वर्ड है, क्लियर सेंटेंस है और ये जस्टिफाई जरूर करता है कि ये सच में सुशांत ने ही बोला है. बिग आर्ग्यूमेंट्स विथ में भी शायद उनका किसी से झगड़ा हुआ होगा फोन पे या उनका पर्सनली रूम में उनके घर के अंदर किसी से झगड़ा हुआ होगा. तो ये जो सवाल स्टीव ने पूछा है ना, दैट डिड यू रिमेंबर हाउ डिड यू डाई, स्टीव का मानना ऐसा होता है कि जब कोई यू नो इंसान मर जाता है उसकी जो सोल होती है ना उसको याद नहीं रहता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कैसे मरे, बिकॉज देर आर सो मेनी सोल्स एंड सो मेनी एनर्जीज अराउंड विच स्टॉप्स देम टू रिमाइंड देम सेल्स कि हमारे साथ क्या हुआ है. बट स्टिल सुशांत सोल वॉज वेरी स्ट्रांग एज मैंशन बाई स्टीम, दैट उसने इतना स्ट्रांग यू नो एनर्जी को कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं किया था एंड ही वॉज वेरी स्ट्रांग, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट वॉट ही वॉज टेलिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू हिम वेरी क्लियरली. तो आगे का सवाल जो स्टीव पूछते हैं कि एट 5:22 पे जब आंसर आता है कि हाउ डिड यू मेट द अदर कॉन्टैक्ट, हैव यू मेट अप विद अदर पीपल दैट यू नो. अब ये सुशांत वहां पे आंसर करते हैं
कि दीपेश डन दिस और स्टीव को लगता है वी बेटर स्टॉप दिस, पर वी बेटर स्टॉप दिस इज नॉट द एक्चुअल सेंटेंस, बिकॉज अगर सुशांत बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, और हेल्दी बातचीत हो रही है, तो वी बेटर स्टॉप दिस क्यों बोलेंगे? पर मुझे ऐसा लगता है उसने क्लियरली बोला है कि दीपेश डन दिस. अभी दीपेश जो था उनका नौकर था, और बहुत लोगों पे उस पर डाउट है गाइस कि ये बहुत बड़ा चालू इंसान है. और बहुत लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सीज भी वो ऑलरेडी उठाई है, और लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी भी की है कि ये बोल के कि इस बंदे पे थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री जो भी है सारा आजमाओ और दीपेश से सारा सच उगलाओ, बिकॉज उसको सब कुछ पता है कि उस रात पे क्या हुआ था और सुशांत के साथ क्या हुआ था. मैं चाहता हूँ कि अगर इंक्वायरी होनी चाहिए तो दीपेश से सबसे पहले होनी चाहिए, बिकॉज मैनी आंसर्स आर अनक्लियर्ड. जब बॉडी लीलावती जाने वाली थी उसको कूपर लेके गए, और कूपर का नाम तो आपको पता ही है कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये और कितना बड़ा करप्ट हॉस्पिटल है ये, सभी को पता है इसमें कौन सी कौन चीज़ें होती है. जाके गूगल में डालो कूपर रिव्यूज, बस इतना डाल दो कूपर रिव्यूज, हॉस्पिटल डालने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे इसके काले चिट्टे और जो रिव्यूज है ना सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे. तो गाइस उसके पहले और एक सवाल है यहाँ पे, जो एंडिंग सवाल था जो स्टीव ने पूछा था, तो वो है एट 5:57 जहाँ पे आंसर आता है सुशांत डू यू हैव अ मैसेज टू योर फैंस. बेसिकली स्टीव उनके फैंस की तरफ डायरेक्ट करना चाहते थे. सुशांत डू यू हैव अ मैसेज फॉर एवरीवन वाचिंग टुडे? सुशांत का वहाँ पे क्लियर आंसर आता है कि आई जस्ट वॉन्टेड देम टू ट्रस्ट यू. बस मतलब जो भी सुशांत ने बातचीत की स्टीव के साथ वो सच है, एंड सुशांत चाहते हैं कि स्टीव एक आवाज़ बने, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आवाज़ बने और इनके पीछे कुछ इंक्वायरी हो, यही आता है इस आउटकम इस वीडियो के थ्रू. तो गाइज ये है मेरे ऑब्जर्वेशंस, आपके ऑब्जर्वेशंस कमेंट डाउन करो, आपको क्या लगता है. इफ़ यू वॉन्ट गो बैक रीप्ले बैक द होल वीडियो अगेन, चेक कर लो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में. बट गाइज मेरा ये मानना है कि जो कुछ ये वीडियो में हुआ है एकदम सच हुआ है, इट्स 100% ट्रू. देखो गाइस आई एम एन ओपन एक्सप्लोरर, आई कैन टेल यू आई हैव फेल्ट थिंग्स एट सम प्लेसेस. जहाँ पे भी मैं गया था वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव हम रहते हैं, बट अगेन नेगेटिव एनर्जी से कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज जो वाइब्स होती है ना वाइब्स, वो एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स होती है जहाँ पे आपको गूस बम्स देती है पूरे बॉडी में, या आपको सेकेंड थॉट में डाल देती है कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है. बट अगेन वी स्टिल कंटिन्यू विद द थॉट ऑफ पॉजिटिव माइंड, ताकि हमको एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करना पड़ता है. बट आई एम टेलिंग यू गाइज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाटएवर इज इट इज 100% ट्रू. तो बस गाइज टेक केयर, स्टे सेफ एज ऑलवेज, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन एडियोस.